बहुत सी लड़कियों के मन में अपने ही शरीर और अपने ब्यूटी से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में बहुत सारे डाउट होते हैं। जैसे कि एक कमेंट मुझे आया कि दीदी मेरी पैंटी का रंग हमेशा क्यों उड़ जाता है, उस पे सफेद रंग का दाग क्यों लग जाता है, या डार्क कलर की पैंटी पहनूं तो जहाँ वजाइना होती है उस वाले हिस्से का कलर ही व्हाइट हो जाता है, तो ये व्हाइट दाग कैसे लग जाता है पैंटी पे। तो ऐसी पैंटी से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हो और उसका सोल्यूशन और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर आप उन लड़कियों में से हो जिन्होंने अपनी पैंटी को थोड़ा पास से देखा है और ये पहचाना है कि हमेशा आपके पैंटी का रंग उड़ जाता है, सफेद दाग लग जाता है, स्टेन छोड़ जाता है, तो उसका एक ही रीजन है, हमारी वजाइना का एसिडिक होना या एसिडिक लेवल होना हमें बचाता है किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारी वजाइना एसिडिक है, भले ही पैंटी का रंग उड़ा दे, दैट्स ओके। जब भी आप कभी व्हाइट पैंट्स, व्हाइट लेगिंग्स या व्हाइट सूट पहन रहे हो तो उसके साथ आप व्हाइट पैंटी भूल करके भी मत पहन लेना, क्योंकि व्हाइट पे व्हाइट कलर बहुत सी थ्रू हो जाता है। सो ऐसे में यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर न्यूड कलर पैंटीज, क्योंकि न्यूड आपके स्किन के कलर का पैंटी होगा, वो स्किन में ऐसा ब्लेंड हो जाएगा कि पैंटी अलग से झलक नहीं रही होगी आपके व्हाइट कपड़ों के थ्रू। क्या आपको पता है जैसे आपका परफेक्ट ब्रा साइज होता है ऐसे ही आपकी परफेक्ट पैंटी साइज भी होती है। पैंटी में भी अलग अलग साइजेस आते हैं, लार्ज, मीडियम, एक्सेल। सो हमेशा पैंटी खरीदने से पहले एक मेजरिंग टेप ले लीजिए, इस तरीके से अपनी पैंटी को भी मेजर कर लिया कीजिए ताकि आप हमेशा परफेक्ट पैंटी पहने। ज्यादा टाइट पैंटी पहनने से आपके स्किन के ऊपर रैशेस पड़ सकते हैं, आपको अनकंफर्टेबल और फ्रिक्शन हो सकता है, और बहुत ज्यादा लूज पैंटी पहनने से अगेन आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। तो हमेशा कंफर्ट फिट चीजों में होती है जो आपके स्किन के टाइप के हो, आपके वेट के हिसाब से हो, आपकी बॉडी के परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से आपकी पैंटी होनी चाहिए। क्या आपको पता है जैसे कि ब्रा की उम्र होती है 6 महीने से लेके 1 साल तक, ब्रा आपको उसके बाद चेंज कर देनी चाहिए मोस्टली, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। ऐसे ही आपकी पैंटीज की भी एक उम्र होती है, एक्सपायरी डेट होती है, आपकी पैंटीज को भी 6 महीने से लेके 1 साल के बीचों बीच आपको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी अगेन लूज हो जाती है। या फिर आप भले ही पैंटी को हमेशा रोज वॉश करते होंगे लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर बैक्टीरिया बिल्डअप हो सकता है, उसके अंदर स्टेन्स पड़ सकते हैं। अगर आप पैड पहनते हो, पैंटी में स्टिक करते हो, तो जो पैड का ग्लू होता है वो भी बाबा वहां चिपका रह जाता है, जिससे कि बहुत जल्दी वहां पे बैक्टीरिया बिल्डअप होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप या तो मेक श्योर करो कि आप पैंटी बहुत अच्छे से वॉश करो, या फिर उसको चेक करते रहा करो कि अगर वो गंदा हो रहा है, साइड्स में बहुत ज्यादा स्टेन्स लग रहे हैं, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, अगर पैंटी की इलास्टिसिटी खोती जा रही है सो इट्स बेटर टू चेंज इट। रात को ब्रा पहन के सोएं या उतार के सोएं, इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाई थी, आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन पैंटी रात को पहन के सोना चाहिए या खोल के सोना चाहिए, मतलब क्यों पहनना चाहिए और क्यों खोलना चाहिए? तो यहाँ पे मैं बस आपको यही बोलूंगी कि आपके पूरे स्किन को, बॉडी को ब्रीथ लेने का मौका चाहिए। अगर आप टाइट फिटेड पैंटी, जीन्स और ड्रेसेस पहनते होगे तो अगेन सो आपकी जो पैंटी है वो भी हमेशा आपके स्किन को कवर करके रखेगी, टाइट रखेगी, उसको ब्रीथ लेने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए वैसे तो कहते हैं कि यू शुड स्लीप न्यूड, बट अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपका अकेले प्राइवेट रूम नहीं है वेर यू कैन स्लीप न्यूड, तो वहां आप लूज शॉर्ट्स वगैरह पहन करके सोया कीजिए। सो कुछ बहुत ही लूज आपको पहन के सोना चाहिए, रोज टाइट फिटेड कपड़े पहन करके सोने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट गुड फॉर योर स्किन एंड बॉडी। क्या आपको पता है कि आपके अंडरवेयर को कैसे धोना और सुखाना चाहिए? परफेक्ट रहेगा अगर आप हैंड वॉश कर पाओ, तो हैंड वॉश नहीं कर पाते हो तो ठीक है मशीन वॉश कर लीजिए, लेकिन उसको डिसइंफेक्ट करने की भी जरूरत है, टाइम टू टाइम उसको डिसइंफेक्ट कीजिए, मतलब जरा सा आप उसके अंदर डिटॉल वगैरह डाल दिया कीजिए, स्पेशली ड्यूरिंग योर पीरियड्स। और उसके बाद जब आप पैंटी सुखा रहे होते हो तो उसको हमेशा धूप में सुखाना चाहिए। पैंटीज को सिर्फ घर के अंदर दरवाजों के पीछे सुखाओगे तो पैंटी के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा तो वो किल नहीं हो सकता है। पैंटी को बैक्टीरिया बिल्डअप से बचाना चाहते हो तो धोने के बाद धूप में ही खाओ उसको हमेशा। बहुत सारी क्यूट क्यूट पैंटीज आती है मार्केट में, लेस, सैटन, पलाना ढमकाना, लेकिन आपको सिर्फ एक ही तरह की पैंटीज पहननी चाहिए जो कि है कॉटन पैंटी, जैसे कॉटन ब्रा वैसे कॉटन पैंटी, उसी में आप कंफर्टेबल रहोगे, स्किन ब्रीथ करेगी। सो फैशन के पीछे मत भागो,
बाहर जो कपड़े फैशनेबल पहनते हो उतना ही काफी है, अंदर तो नॉर्मल कॉटन बेसिक पैंटी ही पहनो बेटर है। अगर आपकी मतलब शादी वादी हनीमून वगैरह कोई स्पेशल ओकेशन है वहां कभी कभार के लिए इट्स ओके, बट फॉर रेगुलर यूज ऑलवेज गो फॉर कॉटन पैंटीज। अब बात करते हैं बहुत खूबसूरत से थॉन्ग्स के। थॉन्ग्स एक से एक आते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। पहले तो मुझे जब मैं टीनेज में थी मुझे तो पता ही नहीं था थॉन्ग नाम की चीज़ भी आती है। बाद में पता चला ऐसी भी पैंटीज आती हैं जो लड़कियां पहनती हैं, पर समझ में नहीं आता अभी भी, आज तक समझ नहीं है थॉन्ग्स पहनने का पर्पस क्या होता है, क्योंकि थॉन्ग पहनने के बाद भी मोस्टली सब कुछ तो नजर ही आ रहा होता है, तो ये नाम का पैंटी होता है। सो इस तरह की पैंटीज अगर आप पहनते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि पीरियड्स के दिनों में ऐसी पैंटी मत पहनना, पैड कवर अप नहीं हो पाता, या अगर आप सोचो कि मैं मेंस्ट्रुअल कप या टैम्पॉन पहन रही हूँ तो मैं थॉन्ग तो पहन ही सकती हूँ, तो भी आपको नहीं पहनना चाहिए, यू विल बी नॉट कम्फर्टेबल, आपको डर बना ही रहेगा, ठीक है। और जब भी आप शॉर्ट ड्रेसेस पहनो तब तो आपको थॉन्ग्स बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग डोंट वेयर थॉन्ग्स व्हाइल वेयरिंग शॉर्ट ड्रेसेस, बिकॉज देन योर जेनिटाइल्स आपका जो भी वजाइना वाला एरिया होगा विल बी एक्सपोज्ड टू द चेयर, बस, या फाइव स्टार होटल में जा रहे हो कहीं भी, तो वो आपका स्किन पूरा एक्सपोज हो रहा है वहां, वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाएगा आपके वल्वा के थाइज अराउंड और जेनिटाइल के अराउंड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाएगा जो कि सही नहीं रहेगा, हाइजेनिक नहीं है, और इसकी वजह से आपको बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। मेक श्योर कि आप बॉय शॉर्ट्स उसके साथ पहन, सिर्फ थॉन्ग्स और शॉर्ट ड्रेसेस मत, लॉन्ग ड्रेसेस के साथ थॉन्ग्स पहन सकते हो, शॉर्ट ड्रेसेस के साथ बॉय शॉर्ट या फिर नॉर्मल शॉर्ट्स, या कवर करो अपने जेनिटाइल एरिया को कवर करो ताकि आप बैठो तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ना आए आपकी स्किन। थॉन्ग से रिलेटेड एक और चीज़ बता देती हूँ, थॉन्ग का जो स्ट्रिप बहुत पतला होता है, तो थॉन्ग का जो डायमेंशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से आपके बट से वजाइना में कोई भी इन्फेक्शन यूं पकड़ लेता है आपको बहुत जल्दी, ये आपके वल्वा को एक्सपोज कर देता है जहाँ भी आप बैठते हो, ठीक है, और फिर बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो थॉन्ग्स को ना ही पहनो यार, थॉन्ग्स को डेली वेयर में तो बिल्कुल मत पहनना। बहुत रिसर्च, बहुत ध्यान और खुद के एक्सपीरियंस से ऐसी बातें मैं आपको बता रही हूँ जो घर में, स्कूल में या फ्रेंड सर्कल में भी आपको कोई नहीं बताएगा, तो ऐसी डीप डाउन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको भी नेचुरल पे देखने को मिलती हैं। तो देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे एहसास दिलाओ कि आपको मेरी ये स्प्रेड अवेयरनेस वाली वीडियोस पसंद आ रही हैं, ताकि मुझे और थोड़ा मोटिवेशन मिले। बताती हूँ आपको, ठीक है, पैंटीज को फोल्ड करने का ये तरीका मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ये मैंने आपसे 2-3 साल पहले भी शेयर किया था, मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ। तरीके से आप अपनी पैंटीज को फोल्ड कर सकते हो, है ना इंटरेस्टिंग तरीका पैंटी को फोल्ड करने का, आई लव्ड इट। एक बहुत ही काम का टिप मैं आपको बताती हूँ, आप कहीं बाहर घूमने गए हो और अचानक से पीरियड्स आ गए और आपको पता चले 2 घंटे बाद, तब तक आपकी पैंटी पूरी तरीके से वेट हो जाए, क्या करोगे? ऐसे सिचुएशन ना आए इसलिए आप हमेशा अपने साथ एक एक्स्ट्रा पैर ऑफ पैंटी कैरी किया करो, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया ना फोल्ड करना, उस तरीके से फोल्ड करो, पैंटी को बैग में रखो, हमेशा अपने बैग में रखो, ठीक है। एक तो पैंटी लाइनर रखा करो, पैड्स रखा करो, या टैम्पॉन रखो, या मेंस्ट्रुअल कप, पर एक पैंटी तो जरूरी रखो, ये सब रखो ना रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी आपके पीरियड्स आए और आपकी पैंटी गंदी हो जाए तो दूसरी फ्रेश पैंटी आप यूज कर सकते हो। पैंटी में बहुत सारी लड़कियों का ना स्टेन लग जाता है पीरियड्स वाले ब्लड का, अगर लीकेज कभी हो जाता है तो गंदा लगता है, साफ होता नहीं है उतना, तो आपकी ना इसमें एक गलती है, गलती ये है कि जब भी आपको लगे कि आपकी पैंटी में स्टेन लग गया है, जैसे आपको पता चले तुरंत उसको वॉश कर लो, पहले तो नॉर्मल वाटर से वॉश कर लो, उसके बाद आप नॉर्मल सोप वाटर से जैसे भी आप वॉश करना चाहते हो वॉश कर लो, लेकिन अगर आपने उस पीरियड के स्टेन को अपनी पैंटी के ऊपर यूं ही छोड़ दिया फॉर 24 आवर्स, तो वो दाग जम सा जाता है, फिर आप उसको छुड़ाओ ना तो हल्का फुल्का स्टेन उसके ऊपर लगा रहता ही है, वो इजिली जाता नहीं है, तो आप चाहते हो कि वो स्टेन चला जाए तो तुरंत धो दो, जैसे ही पता चला स्टेन लग गया आपको रियलाइज होता है तुरंत ही धो दो, ठीक है, फ्रेश स्टेन फ्रेशली वॉश चला जाएगा, देर से वॉश करोगे तो दिनों बाद जाएगा। बहुत सारे पैंटी हैक्स मैंने आपको बता दी, काश मेरे टीनेज में मुझे किसी ने बताया होता तो मेरा टीनेज इतना डिफिकल्ट नहीं होता। सो कौन सा टिप सबसे ज्यादा आपको पसंद आया कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं आपका नाम फ्लैश कर पाऊँ। देखा बी नेचुरल इंस्टा आईडी है मेरी, फॉलो कर लो, क्या कर रहे हो आप लोग। और मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस मेरा ब्लॉग चैनल है, मैं आपसे फिल्म लूंगी, तब तक के लिए।